हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है प्राइमरी फीएफ की एक और नई वीडियो में। एंड गाइस, आज की वीडियो में ना अपन टेमिंग का काम करेंगे। वैसे तो क्योंकि वैसे तो मैंने बोला था, देखो पिछली वीडियो में उसको बॉस बटे करेंगे, बट अभी टेम करना मेरे को एक चीज़, क्योंकि अपने पास सामान हो गया। बट टेमिंग करने से पहले वीडियो में क्या करना वो बताने से पहले, सबसे पहले मैं आज के शाउट आउट दे देता हूँ। सबसे पहला शाउट आउट जाता है अल्फा गेमिंग को, शाउट आउट टू यू अल्फा गेमिंग। एंड सेकेंड शाउट आउट जाता है अपना, शाउट आउट टू यू सानू हिंदी गेमिंग। एंड थर्ड शाउट आउट जाता है, शाउट आउट टू यू संस्कार। तो आज के तीनों शाउट आउट हो गए हैं। एंड अभी वीडियो में क्या करना है, वीडियो में अपन, वैसे तो मैंने बता दिया नहीं, वैसे तो वीडियो में क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। बता दिया क्या, बता देता हूँ कि जो अपने बेस के पास कियोस मेंटिकोर घूम रहा था ना, उसको पकड़ेंगे अपन। एंड सामान आ गया अपने पास उसको पकड़ने का, तो उसको पकड़ेंगे आज की वीडियो में। एंड अभी मैं देख लूँ आसपास है कि नहीं वो, वैसे तो कहीं डिस्पॉन हुआ नहीं होगा, उसको पकड़ना अपने को एक बार। पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं मर गया था अभी, तो एक बार ये जो एक्स्ट्रा आइटम्स है ना, इनको थ्रो कर देता हूँ, क्योंकि इधर रीपर एम्पेस रीपर था जो रहता है अपना, आई थिंक एपेक्स वाला था, उसने मार दिया था मेरे को, बट कोई नहीं। थ्रो, ओके। एंड थाइयो को जो का वैसे मैं नेम दे देता हूँ, इलेक्ट्रिक जैगुआर। ई जैगुआर, ई जैगुआर कैसा रहेगा गाइस? क्या था, कुछ नहीं था इधर नीचे। मैं सोचा हूँ ये सजेस्टेड जो अपना थाइयो को यो ना, इसका नाम मैं रख देता हूँ ई जैगुआर। ऑप्शन ऑप्शन चेंज नेम, ई ई जैगुआर ठीक रहेगा या इलेक्ट्रिक जैगुआर ठीक रहेगा? ई जैगुआर, इलेक्ट्रिक जैगुआर, वैसे ई भी ठीक रहेगा, ई जैगुआर ही लिख देते हैं। चलो ई GUAR, ई जगुआर, ई जगुआर ठीक है वैसे गाइस, या इलेक्ट्रिक जगुआर, ई जगुआर रखते हैं जो, ठीक है। अगर कमेंट्स में बताना गाइस मेरे को, ई जगुआर अच्छा है कि इलेक्ट्रिक जगुआर अच्छा है। तो अगर इलेक्ट्रिक बोलोगे तो मैं इलेक्ट्रिक कर दूंगा, ई बोलोगे तो ई रहने दूंगा इसको, ई जगुआर। एंड वैसे तो देखो, उसको जो कियोस आया था ना, उसको टेम करने के लिए अपने को तीन कीबल लगती है, छह कीबल लग रही थी मैंने देखा था। एंड जिसमें से तीन कीबल मैं बना चुका हूँ, तीन और बनानी है, मेरे पास सामान नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि तीन कीबल मैंने ऑफलाइन बना ली थी, बट फिर सामान नहीं था, तो फिर मैं अच्छा बाकी तीन कीबल देखते वीडियो में बनाएंगे। एंड अभी आर्टिफैक्ट देना अपने को। एंड इधर बेस के आसपास ना एक आर्टिफैक्ट वाला भी स्पॉन हुआ है, आर्टिफैक्ट द ग्रेट, ये देखो पास में ही अपने बिल्कुल। तो एक बार इसको भेज देते हैं, तो इससे अपने को थोड़े से आर्टिफैक्ट मिल जाएंगे एंड मज़ा आ जाएगा आर्टिफैक्ट लेके भाई। तो मैं काम करता हूँ, किसको लेके चलूँ मैं, किसको लेके चलूँ भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं उड़ने वाला लेके चलता हूँ कुछ, ठीक है। वारलॉर्ड को लेके चलता हूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ जो बाकी के तीन कोजेसस बचे हैं ना, अपना आइस पॉइजन एंड इलेक्ट्रिक टाइप, उन तीनों के अगेंस्ट ना मैं पैरासोल का यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि फॉलन जो पैरासोल है उनका अभी तक अपन ने ट्राई किया नहीं है बड़े बॉस बैटल के साथ एक बार भी। तो उन तीनों के अगेंस्ट ना मैं इसी को यूज़ करूँगा। एंड वैसे यार ये स्पिरिट वाला है भाई, गंदी तबाही मचा के रखी है इसने, पता है। आर्टिफैक्टो द ग्रेट, देखते भाई मर गया एक ही भाई में। तो अपने को इससे तीन आर्टिफैक्ट मिले कि चार मिले, कितने आर्टिफैक्ट मिले हैं, लेट मी सी, एक दो तीन चार आर्टिफैक्ट मिल जाएगा इस अपन को इससे, तो ये बढ़िया है, चार आर्टिफैक्ट मिल गए। अगर ये ऐसे बहुत ज़्यादा स्पॉन हो जाए ना आर्टिफैक्ट द ग्रेट, तो भाई मज़ा आ जाता है, क्योंकि इनसे इजी पीजी आर्टिफैक्ट मिलता है, दिक्कत नहीं होती ज़्यादा आर्टिफैक्ट देने में। नॉर्मली तो भाई बहुत दिक्कत होती है एक एक करके आर्टिफैक्ट ग्राइंड करने में। ड्रैगन घूम रहा है नीचे 300 लेवल का, वही है वैगन तो नूब है। एंड गाइस मेरे को पता है, ऐसा लग रहा है कि अपना एक डाइनो मर सकता है, एक ना एक डाइनो मर सकता है उसको टेम करने के चक्कर में। प्राइमरी कैंट्रोसोरस, क्योंकि जो है ना कियोस अपना मेंटिकोर, कियोस जो मेंटिकोर जिसको मैं पकड़ने के लिए सोच रहा हूँ आज की वीडियो में, उसको टेम करने में मेरे को ऐसा लग रहा है अपना एक डाइनो मारा जा सकता है। तो मैं ट्राई करूँगा सबसे पहले सजिस्ट्री ग्रिफिन के साथ। आर्टिफैक्ट यही थे मैंने, हाँ यही थे आर्टिफैक्ट तो मैंने, तो अभी एक बार चलते हैं अंदर। ओके हियर वी गो, काम ऑन कर देता हूँ मैं, क्योंकि भाई टाइम क्या हुआ है,
रात का टाइम हो गया, 8 बज गए हैं, तो गामा ऑन कर देता हूँ मैं अभी। अंदर तो जरूरत नहीं है अपने को गामा की वैसे, तो मैं काम करता हूँ 3 कीबोर्ड और बना देता हूँ, आर्टिफैक्ट इसी में ही रख देता हूँ, एंड 3 कीबोर्ड और बना देता हूँ। एक ही आर्टिफैक्ट मैं ये क्या आया था, आर्टिफैक्ट ऑफ द मैसिव। एंड मेरे को क्या बनाना, मेरे को बनाना भाई कंज्यूमेबल किबल बोस केओस, 3 चाहिए भाई। केओस ऑर्ब नहीं है, मेरे को लगा ही था केओस ऑर्ब। इसके लिए मेरे को सेलेस्टियल किबल लगेंगी, एंड सेलेस्टियल किबल 3 बन जाएंगी, बन जाएंगी, चलो ठीक है। एंड मेरे को सेलेस्टियल सोल चाहिएगी। सोल कितनी अपने पास, सेलेस्टियल सोल नहीं है मे बी अपने पास, एक इसमें है, एंड इसमें कितनी है, ओके 9 इसमें, तो 3 ओके बन जाएगी, बन जाएंगे 3 केओस ऑर्ब भी, इजी पीजी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमेबल्स किबल केओस और ये 3 चाहिए अपने को। एलिमेंटल किबल भाई, वाओ 3 एलिमेंटल किबल बनाओ, एंड अब बन जाएगा, होप सो। भाई बहुत चीज़ें बनानी पड़ती है पता है, एक केओस बोस की वजह बनाने के लिए भी ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। ओके ये मैं इसमें रख देता हूँ। सोल प्राइमल सोल अपने को नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, नोप नोप, ये इसमें रख देता हूँ एक बार के लिए, एंड ये भी नहीं चाहिए। ओके एलिमेंटल कोई काम का नहीं है वो ज़्यादा वैसे। केओस अभी ये बनानी है मेरे को 3, जैसे ये 3 बनेंगी एंड इसके बाद भी बनेंगी अपनी बोस 3, ये बनानी है गाइस भी मेरे को। एंड बोस एसेंस है, अपेक्स एग भी है, सिट्रोनल भी है, डिमोनिक एग भी होने चाहिए वैसे तो गाइस अपने पास, फाइबर भी है, जेनरिक आर्टिफैक्ट भी आ गया लोंगवास में, मेजोबेरी नहीं है मे बी कन्फर्म नहीं है, मे बी मेजोबेरी नहीं है। प्राइमेट जर की तो है देखो गाइस अपने पास, अच्छी स्पीड से बन रही है अपनी प्राइमेट जर की, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आया अभी तो भाई। भाई कितना टाइम ले रहा है बनने में ये, क्या गाइज एक ही बना, ये क्या गाइज है भाई, ये क्या मजाक है। ओके जैसे मैं उससे हट जाता हूँ तो वो कैंसिल हो जाता है भाई, ये इनका सही है सिस्टम। मेरे को पेज पे रहना पड़ेगा इस पे अगर इसको बनाना है तो। भाई ये गलत ही चीज़ है, क्यों मैं नहीं लगाता ये इसको, वाई। ठीक है ये बन गया, अभी मैं बनाता हूँ बॉस, एंड मेरे को चाहिए भाई ये क्योस बॉस की बल। तीन बन जाएंगी, यस बन जाएंगी 3 की 3, तो 3 आ जाएंगी ये, एंड अभी पकड़ेंगे आज की वीडियो में उसको भाई, बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं उसको पकड़ने का। मैं सोचूं एक फेबल्ड इक्वस भी पकड़े थे, फेबल्ड यूनिकॉर्न रहता है ना जो, उसको भी पकड़ने का सोच रहा हूँ मैं, अगर मिले तो अपने को एक फेबल्ड यूनिकॉर्न। और कुछ है रखने का, अब तो कुछ नहीं है वैसे। ओके मैं इनको एक बार निकाल लेता हूँ, ठीक है इनको दूसरी जगह पे रख दूंगा, एंड इसको भी ले लेता हूँ मैं। ओके बन गए हैं वैसे, टोटल 6 कीबल आ गई है वैसे तो अपने पास। कीबल इसमें रखता हूँ मैं, कीबल इसको, ये देखो टोटल 6 कीबल हो गई है, एंड 6 ही कीबल लग रही थी जितना मेरे को याद है उसको टेम करने के लिए। ओके और कुछ बचा है नहीं, और तो नहीं बचा कुछ भी, ये रख देता हूँ क्योंकि मैं प्राइमल ओरिजिन वाला यूज़ करूँगा, प्राइमल यूज़ नहीं करूँगा दैट्स वाई। एंड निकाल लेता हूँ मैं बिल्ली, नहीं भाई, एंड इसको भी टेम करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। कॉल टू पोर्ट है, इसको भी टेम करेंगे। सेलेस्टियल ग्रिफिन इसको यूज़ करने वाला हूँ मैं, क्योंकि गाइस मेरे को लग रहा है अपना एक डाइनो मर सकता है, तो इसी को ट्राई करूँगा मैं। एंड गामा ऑन कर देता हूँ मैं, कीबल आ गई है अपने पास, सारा सामान है वैसे तो। एंड अभी मैं देखता हूँ किधर है मेंटिकोर, ABC केओस, केओस में मिल जाना चाहिए वैसे तो।
केओस वैक्स, केओस वाइवन, केओस ग्रिफिन, ये वह केओस मेंटिकोर। ओके केओस मेंटिकोर 840 जावा जी का है, बेस के पास में ही घूम रहा है, मेरे को पता है। एंड हियर वी गो, पावर अप कर ले भाई। प्राइमल रॉक ड्रेक घूम रहा है नीचे, ये अब नीचे प्राइमल रॉक ड्रेक ही है। तबाही मचा के रखी है भाई नीचे। इधर पता वाइवंस ज़्यादा स्पॉन होने लग गया, पहले इतने स्पॉन नहीं होते थे वाइवंस, बट अब कुछ ज़्यादा ही वाइवंस स्पॉन हो रहे हैं इधर, पता है पहले इतने वाइवंस स्पॉन नहीं हो रहे थे इधर। लग जा भाई, लग गया। नाइस गाइस, अब मेरे को ये देखना बस मैं मारा ना जाऊं। भाई गंदा ककून कर दिया इसने मेरे को, वाओ मरने वाला हूँ अब मैं कुछ नहीं कर सकता गाइस। ओके बस तो गया मैं, खैर फिर मैं इसको मारता हूँ। ये नेक्रोटिक वाइवन रहता है ना, ये अपना स्टेमिना ड्रेन आउट कर देता है। ओके चलो ये डाउन हो गया, एंड मैं इनको मारता हूँ पहले तो भाई। ओके बच गया भाई ये वाला, वरना अपना मर जाता, बाल बाल बच गया। एंड मैं इसको हीलिंग पोशन दे देता हूँ। ओके भाई जिधर तेरे को जाना तू जा, एंड मैं इसको टेम करता हूँ। 6 चाहिए भाई इसको केओस बोस की बल। चलो अपनी किस्मत अच्छी थी भाई, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई अपने को टेम करने में, वरना लगा नहीं था मेरे को इतना इजी रहेगा इसको पकड़ना। एंड गाइस इसका नेम सजेस्ट कर देना मेरे को, सैडल लगेगी इसको राइड करने के लिए, तो मैं बेस पे चलता हूँ अभी। एंड तू क्या कर रहा है भाई उधर ही तो नहीं, ऊपर नीचे आ जा। सैडल लगेगी गाइस इसको, कोई नहीं सैडल बना लूँगा वैसे मैं। भाई बैठने देना एक बार मेरे को। ओके बैठ गए गाइस, नाइस। एंड अभी सैडल बनाते हैं इसके, एंड टेस्टिंग वगैरह करते हैं भाई। ओपी रहने वाला है ये एकदम, जितना मेरे को लग रहा है ना ओपी रहने वाला है ये, क्योंकि भाई अभी इसकी 52 मिलियन की हेल्थ थी अभी से इसकी, बिना एक भी लेवल लगाए इसकी 52 मिलियन की हेल्थ थी, तो डेफिनेटली ओपी रहने वाला है ये। कामा बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि बेस के पास ना अपने ये जैसे एक तो फालन वाले रहते हैं ना, जो फूलन डिमोनिक, इनसे भी जैसे लाइट सी निकलती है ये, एंड ये भाई स्पिरिट से तो भाई क्या ही बोलूँ, एलईडी बल्ब टाइप में स्पिरिट वाले। तो अभी चलते हैं एंड बनाता हूँ मैं एक सैडल, केओस बॉस वाली सैडल बनानी पड़ेगी मेरे को। सैडल ओमेगा टॉक्सिक स्पिरिट केओस एंड स्पिरिट, केओस एंड स्पिरिट लेजेंडरी मैजिन हो गया सर, स्पिरिट बॉस केओस डोडो वाइवन नहीं भाई, केओस मेंटिकोर भाई सबसे लास्ट में बनती है। ओके बन गई सैडल एक, बढ़िया भाई। एंड अभी मेरे को एक काम करना है, एक मैक्स पोशन लेना है, मैक्स पोशन नहीं है गाइज अपने पास सैड लाइफ, तो एक काम करता हूँ मैं लार्ज पोशन से चलता हूँ। एंड एक मेरे को लेना पड़ेगा फिर, एक मेरे को चाहिए ग्रोन अप पेस्ट, ग्रोन अप पेस्ट आ गया, नाइस। हियर वी गो। ओके भाई नीचे मत जा, इधर इधर मैं ट्राई कर। एंड गाइस इसका नेम सजेस्ट कर देना मेरे को, ठीक है, केओस मेंटिकोर का एकदम मस्त मस्त सा नेम। वैसे तो आप गाइस सभी बढ़िया बढ़िया नेम सजेस्ट ही करते हो, एंड इसका भी एक बढ़िया सा नेम सजेस्ट करना है। ये देखो आगे से लोयन रहता है ना, सेव रहता, नहीं सेव जैसा मुंह इसका, सेव जैसा है ठीक है,
एंड फिर ये पता नहीं इसके क्या निकले हुए, सींग टाइप में जैसे बुल के सींग रहते हैं ना वैसे निकले हुए इसके हॉर्न एंड विंग्स हैं इसके। एंड पीछे से भाई टेल इसकी स्कॉर्पियन रहते हैं ना स्कॉर्पियन जैसी टेल है इसकी भाई, मिक्सचर है ये, बहुत खतरनाक मिक्सचर लग रहा है मेरे को ये। एंड इसको सैडल पहनाता हूँ अभी तो मैं, एंड राइड करते हैं अभी भाई। मेरे को देखना कितने लगते हैं अपने को, दबके लगने वाले हैं। ओके 88 ट्रैवल होते हैं गाइस, 87 88 ट्रैवल हो गए हैं भाई। ठीक है तो हेल्थ पे लगा देता हूँ मैं इसके, हेल्थ बहुत बढ़ रही है गाइस इसकी, कुछ भी बोलो हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसकी। 75 लेवल लगाए गाइस, 75 तक लगाए मैंने हेल्थ पे, टोटल मैंने इसकी हेल्थ पे लगा दी है 5 और 8, 13 लेवल्स लगाए मैंने इसकी हेल्थ पे। ठीक है एंड अभी सभी लेवल्स मेले पे लगाने वाला हूँ मैं इसके, देखते कितना ज़्यादा इसका मेले डैमेज। ये खा भाई, अब तू ग्रोन अप। ओके तो कितनी हेल्थ हो गई है इसकी भाई, 271 मिलियन हेल्थ हो गई अभी तक की, सबसे ज़्यादा हेल्थ है गाइज इसकी। करप्टेड गीगा की गाइज कितनी थी अपनी हेल्थ, मेरे को एक बार देखने दो। करप्टेड गीगा की इतनी नहीं थी जितना मेरे को याद है, उसकी थोड़ी सी कम थी गीगा की। गीगा गीगा किधर है भाई, नोवाला डिस्ट्रॉयर है इसमें तो, पैवेट है इसमें, क्या हाइनाडोन है। कप्टेड गीगा भाई इसकी हेल्थ थी 160 मिलियन हेल्थ थी कप्टेड गीगा की, तो भाई बहुत ज़्यादा हेल्थ है इसकी मेंटिकोर की भाई, बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्थ है इसकी। तभी डैमेज भाई, स्पीड बहुत बढ़िया है इसकी। सेलेस्टियल थैवी जिनोसोवस वैसे पकड़ सकता हूँ मैं भाई, 12 मिलियन का इसका बाइट अटैक है। गाइस 12 मिलियन का ये बाइट अटैक देता है ठीक है, एंड राइट क्लिक से, राइट क्लिक से ये इसकी टेल से मारता। ओके 11 मिलियन का गाइस ये टेल से देता है, 16 मिलियन का दिया इसने। सोलह मिलियन का देगा गाइस, वैसे ज़्यादा तो नहीं दे रहा ये, मेरे को लगा था ज़्यादा ही देगा ये, बट ज़्यादा नहीं दिया गाइस जिसने अटैक, पता नहीं क्यों। एंड सी से का दिया गाइस जिसने, सी से एक्स से कितना देगा ये, 10 मिलियन का। ओके थोड़ा सा डायरेक्ट हिट लेके देखना पड़ेगा मेरे को। फोर्टी टू मिलियन का, ओके अगर सभी हिट होंगे तो अच्छा डैमेज देगा ये। ठीक है चलो 42 मिलियन, ठीक है चलो गाइज अच्छा डैमेज दे रहा है, वैसे ये डैमेज अच्छा दे रहा है, ये नहीं कह सकते डैमेज अच्छा नहीं दे रहा, बट जितना मेरे को भाई उम्मीद थी ना उतना अच्छा नहीं दे रहा ये, जितना मेरे को लगा था उतना अच्छा नहीं दे रहा ये डैमेज, अच्छा दे रहा है बट बाकी डाइनो जितना अच्छा देते हैं ना उतना अच्छा नहीं दे रहा ये। क्योंकि अपना ग्रिफिन देख लो भाई, ग्रिफिन बहुत खतरनाक डैमेज देता है। क्या आई थिंक जब इसमें ओके इसको भी डैमेज मिल रहा है क्या भाई, ये लगी चीज है इसके अटैक से इसी को ही डैमेज मिल रहा है।
आई थिंक इसका जैसे अपना वो रहता है ना पैरासोर, जब वो एक्स अटैक करता है एंड डाइनो जब उसके जो फायर रहते हैं ना उसमें रहता है तो उसको रैपिड डैमेज मिलता है, वैसे रैपिड डैमेज देता है ये, तो वो चीज़ तो भाई किसी बॉस के अगेंस्ट ही चेक कर सकता हूँ मैं। एक काम करेंगे, जो आइस को जैसे स्वेगा ना, मैं उसके अगेंस्ट इसको फाइट लेके देखूंगा एंड पता चल जाएगा भाई कितना डैमेज देता है ये। एंड ट्रैकर, ट्रैकर एक ही बचा मेरे पास, ये हो गया ट्रैकर। इधर तो वैसे कुछ नहीं है देखो जिससे मैं फाइट है, इसको फाइट लेने वाला इधर कुछ भी नहीं है डाइनो। एंड मैं सोचो एक थैरिजिनोसोरस भी पकड़े देते हैं, कि गाइस आप लोग बोल रहे थे थैरिजिनोसोरस पकड़ने के लिए, मर गया वो तो। फायर ग्रीफिन है, लाइटनिंग वाइवा नहीं है, ये क्या है, सेलेस्टियल डाई बियर, मार देता हूँ, मेरे को सेलेस्टियल सोल मिल जाएगी। ओके अब पता चलेगा गाइस ये कितना दम है इसके अंदर। दम तो अच्छा खासा है इसमें पता है। बट इसका कुछ ऐसा रहना चाहिए था फायर ब्रीथ टाइप में जिसके अंदर ये चला जाए, क्योंकि नॉर्मल बाइट अटैक ना इसका कम है। देखो गाइस नहीं ठीक है, जो गाइस मेरे को ऐसे ज्यादा मजा नहीं आया इसमें। मैं भी अभी तक इसकी 100% डैमेज टेस्टिंग अपन कर ही नहीं पाई है, क्योंकि किसी भी डायनोज की इतनी हेल्थ नहीं है, बिलियंस में जिसकी हेल्थ होगी ना उसके अगेंस्ट इसका डैमेज चेक होगा वैसे तो, तब पता चलेगा। क्योंकि जैसे इसको एक बार मैं इधर खड़ा कर देता हूँ। क्योंकि जैसे अपना जो ग्रीफिन है ना, ये वाल लोड, ये भाई 1 बिलियन से प्लस डैमेज देता है बोसिस को, एंड ये भी अच्छा खासा देता है अपना केओस किंग, अपना जो थाइयो को ये केओस, इसके मुंह को क्या हो गया। ओके थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है इसको, अब तो कुछ नहीं, इसको भी लोड होने में टाइम लग रहा है, देख रहे हो गाइस कैसा दिख रहा है ये। ओके हो गया ठीक, ये वेंडल डिस्टेंस से बाहर चला जाता हूँ ना मैं इनसे, तो फिर ये चेंज हो जाती है इनकी शेप इसलिए, दैट्स वाई, वरना तो कुछ नहीं है ऐसा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना इसका देखो जो असली डैमेज टेस्टिंग है ना वो तभी होगी जब मैं इसको यूज़ करूँगा अगेंस्ट किसी बॉस के, ठीक है, बॉस के अगेंस्ट ही मेरे को पता चलेगा असलियत में भाई ये कितना मेले डैमेज देता है, क्योंकि नॉर्मल तो मेरे को पता नहीं चल रहा है कितना देता है मेले डैमेज। एंड अभी मैं काम करता हूँ, देखता हूँ कोई सजेस्टेड थाइयो कोरियो, नहीं सजेस्टेड थाइयो कोरियो तो नहीं, क्या देखना था मेरे को, हाँ मेरे को देखना था सजेस्टियल थैवी जिनोसोरस है कि नहीं, सजेस्टियल थैवी जिनोसोरस देखना मेरे को, कभी रहता है तो कोई पकड़ देते हैं एक सजेस्टियल, सजेस्टियल सजेस्टियल ऊपर ही मिलेगा आई थिंक सो। ओके ये देखो इधर है सजेस्टियल, ये है सजेस्टियल, सजेस्टियल थैवी जिनोसोरस। ओके एक है मेरे बेस के पास, ये वही है 480 लेवल, 840 लेवल का, तो इसी को ही देखते हैं पकड़ने का। एंड मैं देखता हूँ कितनी कीबल चाहिए अपने को इसके लिए, पकड़ेंगे इसको और क्या, फिर आई होप सो ज़्यादा केबल ना मांगे भाई ये, क्योंकि फिर मेरे को कीबल्स बनाने में दिक्कत रहेंगी, अगर कीबल ज़्यादा मांगेगा तो कीबल मैं भी ना बना पाऊँ मैं, या इसकी बजाय मैं काम करता हूँ अपन एक दूसरी चीज़ पकड़ते हैं, जो मैंने बोला था ना वो पोर्ट नाम से था कुछ अपने पास, उसको पकड़ते हैं। चल भाई उधर जल्दी, ठीक है अभी मैं वो जो पोर्ट नाम से था ना अपने पास, एक पोर्ट नाम से था अपने पास, एक पोर्ट करके कुछ था उसका नेम, इधर नहीं है, मैं भी उसमें है स्मिथी में, स्मिथी भाई किधर गया, इधर ही कहीं पे था जितना मेरे को याद है, वो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है,
नीचे था क्या वो? देखने दो गाइस मेरे को एक बार, मैं भी इधर नीचे था या किधर गया? इधर था इसमें मैं भी। हाँ ये वह देखो, कॉल टू पोर्ट, इसको ट्राई करते टेम करने का फिर। एंड मैं काम करता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आर्टिकुनो को लेके चलता हूँ मैं, ठीक है? एंड देखते हैं क्या रहता है। आर्टिकोनो को लेके चलता हूँ मैं एंड थोड़ा सा ओपन एरिया देखता हूँ मैं, ठीक है? डेजर्ट में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि भाई डेजर्ट में नहीं जाना, इतना भी खतरनाक नहीं है ये कोई भी। थोड़ा सा ओपन एरिया चाहिए बस, और कुछ नहीं अपने को। एंड ओपन एरिया मैं देखता हूँ, इधर वैसे ठीक है ये स्लोप के ऊपर। ओके इधर ट्राई लेके देखते हैं, ठीक है? इधर मैं इसको, ये आ गया, ठीक है? स्पेशल कीबल लगेगी इसको टेम करने के लिए, मैक्स लेवल का गाइस ये। टोरपो इसका ज़्यादा नहीं है, तो मेरे पास एक आइडिया आया है इसका टोरपो डाउन करने के लिए। मैं ओरिजिन ना यूज़ करके मैं यूज़ करूँगा प्राइमर इसके ऊपर, ठीक है? एंड आई डोंट थिंक सो मेरे को गाइस आर्टिकुनो की भी नीड है। एक मिनट रुको, अंदर आजा भाई। तो आर्टिकुनो, एंड मेरे को नहीं लगता मेरे को आर्टिकुनो की भी नीड है गाइस। एक पड़ा, हो गया डाउन, क्योंकि मेरे को लगा ही था गाइस अपने को आर्टिकुनो की नीड नहीं पड़ेगी। अभी मैं बेस पे जाके 3 स्पेशल कीबल लेके आता हूँ, ठीक है? एचक्यू रोक एलिमेंटल टाइप में, ये रोक वाला ही कुछ रहता है ना अपना एलिमेंटल, वैसा ही कुछ है ये, बट आई थिंक कुछ उनका बोस टाइप में रहता है ये। मे बी मैं स्पेशल कीबल लेके आता हूँ वैसे तो। एंड एक मेरे को टेम हेल्पर भी लगेगा, क्योंकि गाइस टैक आर्मर की यही सबसे अच्छी चीज़ है, स्प्रिंट बूस्ट मिलता है इससे। एंड इसे ये मेरे को लगा था कि अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी डाइनो की। 500 वाला ले चलता हूँ मैं टेम हेल्पर एंड स्पेशल कीबल, स्पेशल कीबल फेबल्ड, स्पेशल कीबल 3 चाहिए थी मे भी, उसको मैं 4 ही ले चलता हूँ। देखते हैं अगर 3 चाहिए होगी तो एक वापस ले आऊँगा मैं। लास्ट रिमोट लोकेशन, ये भाई सबसे बढ़िया फीचर है इसका, इससे काफ़ी टाइम बचता है पता। जो लास्ट रिमोट लोकेशन का जो फीचर दे रखा ना इसमें ओसम टेलीपोर्टर्स में, उससे काफ़ी टाइम बचता है अपना। ओके एंड आई थिंक सो अब इसका फूड नीचे चला जाएगा। हाँ जा तो है गाइस इसका फूड नीचे। एंड मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डालनी है। ओके 3 आ गई है। इसका भी नेम बता देना गाइज मेरे को, इसको ऐड करने के लिए भी मेरे को सडल चाहिए। ओके भाई दिखता कैसा है ये? दिख तो ठीक ही है ये वैसे, हेल्थ वगैरह ठीक है इसकी वैसे तो। हाँ टेक्सचर अच्छा वैसे, यूनिक डाइनो हो गया अपने पास ये। देखो ये इसके ऊपर सी साइज लगे हुए हैं। एंड और क्या इसके ऊपर? नहीं और तो कुछ नहीं है। इसको स्टे कर देता हूँ इधर एक बारी। एंड ये वाइन्स वगैरह लटकी हुई हैं इसके ऊपर। ये क्या चीज़ है भाई, कैनन सी क्या चीज़ है ये? कैनन है क्या ये? मे बी कैनन है ये, तो ठीक ही लग रहा है मेरे को तो गाइज ये। एंड थोड़ा सा देखता हूँ मैं इधर कुछ और हो ऐसा। नहीं और तो कुछ नहीं है इधर, तब मैं काम करता हूँ कि जो ये वो था ना सजेस्टियल जो था, ये थायो को क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, जो सजेस्टियल ये था थैविजिनोसोरस, इसको देखते हैं टेम करने के लिए। भाई 9.2 मिलियन का टोरपो है इसका, तो मेरे को यूज़ करना चाहिए ओरिजिन इसके लिए। एंड इसको कितनी ओके 6 सजेस्टियल की बिल मांग रहा है गाइस ये। चल भाई जल्दी ऊपर। वैसे गाइस मस्त है ये, कुछ भी बोलो, एक बार टैक का सूट आ जाता है ना तो उड़ने की पावर आ जाती है अपने पास। एंड
जब उड़ने की पावर आ जाती है तो भाई बहुत हेल्प मिलती है उड़ने की पावर से। मेरे को पता है भाई, लिटरली बहुत हेल्प मिलती है उड़ने की पावर से अपने को। सेलेस्टियल वाई वन पकड़ सकते हैं वैसे, सेलेस्टियल वाई वन को भी। देखते हैं उसको भी पकड़। पहले तो मेरे को ये देखना गाइस अपने पास सजेस्टेड कीबल कितनी है एंड मैं कितनी बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बना ही नहीं पाया तो गाइस फिर कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं है। फिर देखते थोड़ी बहुत फाइट वगैरह लेके देखूंगा मैं। अगर मैं कीबल नहीं बना पाता हूँ ना सजेस्टेड, तो फिर ट्राई लेके देखेंगे थोड़ी बहुत फाइट लेने का या कुछ और देखता हूँ फिर मैं। एंड मेरे को क्या करना, मेरे को देखनी है भाई अपने पास अभी कीबल्स कितनी है। ओके कीबल तो नहीं, एक भी नहीं है भाई, सेलेस्टियल कीबल नहीं है एक भी। अंडे कितने, फेबल डैग भी नहीं है गाइज अपने पास, तो मेरे को लगता है बना नहीं पाएंगे अपन मे भी। इसमें कितने अंडे हैं भाई, अंडे नहीं है, कीबल नहीं बनेगी। देखो गाइज तो आज की वीडियो में तो मैं पकड़ नहीं सकता इसको सेलेस्टियल वाले को, ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी, क्योंकि अभी भाई फिर आज की वीडियो में मैं बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा अपने को, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा कि आज की वीडियो में मैं इसको करूंगा। एंड अभी अपने पास इतनी कीबल नहीं है एंड अंडे भी नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को बना सकूं। एंड और क्या मेरे पास वैसे कुछ नहीं है तो इन इसको बना सकूँ मैं सजेस्टेड कीबल को, क्योंकि एक सजेस्टेड कीबल बनाने में अपने को 5 अंडे लगते हैं एंड अभी अपने पास सिर्फ 16 है, मे बी 16 फेबल डैग है, तो 3 ही बना सकता हूँ मैं, 6 नहीं बना सकता, आधी बनेगी। तो मेरे को ऑफलाइन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट तो क्या करना पड़ेगा मेरे को गाइज, AFK रहना पड़ेगा पता है, क्योंकि मेरे को अल्फा एग भी चाहिए, क्योंकि मेरे को अल्फा ड्रैगन, ये क्योस ड्रैगन एंड क्योस मेगापिथी का उसको भी टेम करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा AFK रहने का ट्राई करूँगा। एंड उससे क्या रहेगा कि अपने पास एग आएंगे इधर, जैसे कि अभी एपेक्स बोस एग अच्छा है इसके अंदर, तो मैं AFK रहने का ट्राई करूँगा ताकि अपने पास एपेक्स बोस एग्स आए। ये क्या नीचे ओमेगा वाला, ये तो ओके, और तो कुछ नहीं है इधर, तो मैं AFK वह के देखूंगा अंडे वगैरह आते हैं अपने पास एंड फिर बनाएंगे बनाएंगे केबल वगैरह को एंड टेम करूंगा मैं इनको। एंड गाइज मेरे को नेम सजेस्ट कर देना उसका, ठीक है। वैसे इसकी टेस्टिंग करके तो देखी नहीं है बंदे, एक मिनट क्या हुआ, कुछ नहीं, अभी टेस्टिंग तो करके देखी नहीं गाई जिसकी मैंने, मेरे को याद ही नहीं था, अभी टेस्टिंग करके देखते हैं इसकी। कैप्टन ब्लैक बोल्डर, ये इसका नेम, ये कैप्टन ब्लैक बोल्डर। तो अभी मैं काम करता हूँ, मेरे पास है गो ये एक्सपीरियंस पोशंस हैं वैसे तो, एंड इसकी सैडल बना के जाता हूँ मैं, टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी भी जगह हाथ, और टेस्टिंग कर लेनी चाहिए भाई। थोड़ी सी इधर मेरे को इरिटेशन रहती है बट ठीक है, क्योंकि ये स्टेज चढ़ते हैं ना सीढ़ी के ऊपर तब थोड़ी दिक्कत रहती है इसे टैक सूट से, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। सडल एंड भाई किधर मिलेगी, फेबल्ड टॉक्सिक वेनिला। मैं काम करता हूँ कैप्टन, ओके कैप्टन लिखते ही आ गई है वैसे तो, एक चाहिए, एक बन जाएगी इजी वन। ओके एक ग्रोन अप लेना वैसे मेरे को, ग्रोन अप ग्रोन अप ग्रोन अप, ये रहा एक ग्रोन अप। हीलिंग भी वैसे अपने पास अभी बचे हुए वैसे 31 पड़े हैं मेरे अभी होट बाल में, तो अभी मैं और नहीं रख रहा है, जैसे ये ख़त्म हो जाएंगे ना हीलिंग पोशंस तो FMK वाले, तो मैं और बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेरे को ट्रैकर भी बनाना है वैसे, डाइनो ट्रैकर भी चाहिए। कितने चाहिए मेरे को, चाहिए भाई 10 तो चाहिए मिनिमम। ओके 10 बन रही हैं एंड अपना वो किधर है, कैप्टन बोल्डर उठा है। ओके इजी रहता गाई जिनको बनाना, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। एक खा भाई डाइनो ट्रैकर, ओके इसको मैंने खिला रखा ना ऑलरेडी, ये इसे ये नहीं खा रहा, ये वह इधर, ये भाई सैडल पहन तू एक, एंड एक तो डाइनो ट्रैकर खा। ओके नाइस, एंड अभी मैं इसको राइड कर सकता हूँ, पर मैं इसको मैक्स लेवल करता हूँ, ठीक है। ये सभी लग जाएंगे जितना मेरा एस्टिमेट है उस हिसाब से।
ओके 8 बच गए जो लगा नहीं था मेरे को 8 बच जाएंगे। 70 तक लगाता हूँ गाइज मैं इसके लेवल, 1 एक्स्ट्रा ही लग गया, कोई नहीं जो एंड बाकी मेले पे लगा देता हूँ, देखते कितना जाता है इसका मेले डैमेज। 100 के तो हो गया है, आई थिंक 200 के अराउंड पहुंच जाएगा इसका इम्प्रिंटिंग होने के बाद। 200 के अराउंड हो गया, 185 के हो गया इसका, 61 मिलियन की हेल्थ है, जब 6.1 मिलियन की हेल्थ है इसकी एंड 185 के इसका भैया डैमेज है, 1.7 मिलियन टोल पुआ। ओके स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई इसकी बट चलेगा। राइट 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 क्लिक से ये कैनन चलाता है। ओके ट्राई करके देखते हैं सभी अटैक्स इसके, वैसे स्पीड काफ़ी स्लो हो गई इसकी, गोलम रहता है ना गोलम टाइप में लग रहा है, जैसे इसको मैं राइड कर रहा हूँ ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं गोलम को राइड कर रहा हूँ। ओके सौ का बस भाई डैमेज तो बहुत कम दे रही है इसकी कैनन। ओके इसकी देखो गाइस कैनन ज्यादा डैमेज नहीं देती बट ये 1.4 मिलियन का डैमेज देता है। ये क्या था, ये अजीब ही अटैक देखा मैंने, नया टाइप का अटैक था कुछ। ओके अटैक तो गाइस इसके अजीब, ये कंट्रोल पैरेट मिनियन, वाओ ये बढ़िया जगह मेरे को गाइस, पैरेट आ जाते हैं इसके कंट्रोल दबाते ही एंड शिफ्ट से कुछ नहीं होता, कंट्रोल सी से। ओके ये रहता कंट्रोल से और भी पैरेट्स आ गए, नाइस गाइस ये मेरे को अच्छा जगह। ओके 1.4 मिलियन देता है ये अटैक इससे एंड सी से 1.1 मिलियन सी से देता है एंड एक्स से कितना देगा भाई तू। ओके 964 के 9.5 लाख का देता है आसान शब्दों में डैमेज, ये ठीक है चलो डैमेज ज़्यादा नहीं है वैसे, देखो अपने पास जो बड़े बड़े डायनोज हैं उनके कंपेरिजन में तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसका डैमेज बट हाँ ठीक है डैमेज इसका, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, काफ़ी यूनिक यूनिक अटैक है इसके, मेन पॉइंट ये है कि अटैक काफ़ी अच्छे हैं इसके, यूनिक से अटैक है। तो अभी इसको मैं लेके चलता हूँ उधर वैसे, क्योंकि भाई बाहर तो इसको खतरा है कोई फालतू में इसको भेज देगा। 1.4 मिलियन का देता है अटैक डैमेज वैसे ये, ठीक है चलो डबल हैंड से जब ये करता है 1.4 मिलियन एंड वन एक हैंड से अटैक करता तो 9 मिलियन के अराउंड देता है, ठीक है चलो बुरा नहीं है इतना, कलेक्शन के लिए अच्छा है। देखो गाइस ये रेयर डाइनो है ये थोड़ा सा एंड कलेक्शन के लिए ये अच्छा है क्योंकि इतनी नॉर्मली दिखता नहीं है ये कैप्टन बोल्ड, ये जो कैप्टन ब्लैक बोल्डर है ये इतने इजीली दिखता नहीं है अपने को ये। तो गाइज मेरे को इसका नेम सजेस्ट कर देना कमेंट्स में एंड एक और जो अपना केओस मेंटी कोर है इसका नेम भी सजेस्ट कर देना मेरे को कमेंट्स में, ठीक है। तो आई थिंक सो गाइज फिर आज की वीडियो के लिए बस फिर इतना ही, तो ठीक है गाइज आज की वीडियो के लिए बस फिर इतना ही एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर।